हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी डीबी और यांत्रिक के रिगार्डिंग साइंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को। इससे पहले साइंस के 5 और भी प्रैक्टिस सेट्स को दिया गया है, तो जिन लोगों ने प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप सभी प्रैक्टिस सेट्स को देख सकते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि इससे प्रीवियस बैचेस यानी 01 2022 बैचेस के रिगार्डिंग जो आपके पीडीएफ दिए गए थे, 42 आपको प्रैक्टिस सेट्स दिए गए थे जिसमें कि 10.5 क्वेश्चन आए, यानी टोटल 420 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इन पीडीएफ को भी देखना आपका काम है, क्योंकि इन सभी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आए थे प्रीवियस समय में भी और इस बार भी आने के चांसेस है, तो आपका काम है उसको अच्छे से जाकर देखना, ठीक है। चलिए आपको बता दें कि इन सभी वीडियोस के पीडीएफ के रिगार्डिंग, आपके प्रैक्टिस सेट्स के पीडीएफ के रिगार्डिंग, प्रीवियस बैचेस के पीडीएफ के रिगार्डिंग हमने आपके लिए एक 89 रुपीज़ का बैच प्लान किया है। तो जिन लोगों ने इन बैचेस को अभी तक नहीं लिया है तो जाकर आप जल्दी से ले सकते हैं। कैसे लेना है, क्या करना है, आपको क्या करना है, चैनल पर जाना है, चैनल पर जाइएगा तो स्टार्टिंग में ही आपको वीडियोज़ दिख जाएगा, उस वीडियोज़ को क्लिक करके आप इस बैचेस के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उस वीडियोज़ में आपको नंबर भी दिया गया है, उस नंबर पर कॉल करके इस बैचेस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, ठीक है। और आपको बता दें कि प्लीज़ उस नंबर पर आपको जब भी कॉल करेंगे तो सिर्फ इसी बैचेस के रिगार्डिंग आप बात करना होगा, जो भी डाउट होगा तो पूछेंगे, नहीं तो कोई एक्स्ट्रा डाउट आपको उस नंबर पर इस बैचेस के अलावा कोई एक्स्ट्रा डाउट आपको वहाँ पर नहीं पूछना है, ठीक है। चलिए तो हम बढ़ते हैं अपने वीडियो लेक्चर्स की ओर। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर वन क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि पेस्टिवराइजेशन ऑफ मिल्क मींस, यानी दूध का प्रस्चुरीकरण का अर्थ क्या होता है, यानी पेस्टिवराइजेशन ऑफ मिल्क का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, पेस्टिवराइजेशन का मतलब ये होता है कि ऐसा टेम्परेचर जो कि क्या हो, बॉइलिंग टेम्परेचर से कम हो। यानी आप कह सकते हैं कि पेस्टराइजेशन जो होता है ये एक्चुअली क्या होता है, टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग, यानी बॉइलिंग से नीचे वाला टेम्परेचर, ठीक है। तो पेस्टराइजेशन ऑफ मिल्क का मतलब होता है कि किसी भी मिल्क को हीट करना अबव 62 डिग्री सेल्सियस तक। आपको बताया कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। हालांकि मिल्क के बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होंगे, स्वाभाविक बात है कि मिल्क के बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होंगे, क्योंकि क्या है, वो हमारा अदर सब्सटेंस है, ठीक है। तो सब्सटेंस बॉइलिंग पॉइंट ये सब वेरी करता है, आपको पता होना चाहिए सभी चीज़। तो पेस्टराइजेशन ऑफ मिल्क मतलब होता है कि किसी भी मिल्क को हीट करना एवॉब 62 डिग्री सेल्सियस, यानी 62 डिग्री सेल्सियस से एवॉब जब हीट करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या करते हैं, पेस्टराइजेशन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, नंबर 2 लिखा जा रहा है कि एल्युमिनियम कैन बी प्यूरिफाइड बाय, एल्युमिनियम को हम किसी से प्यूरिफाइड करते हैं, ठीक है। तो एल्युमिनियम जो होता है वो आपके इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से प्यूरिफाई होता है, किससे होता है, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से, ठीक है। तो आंसर क्या होता है इसका, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो देखो, आपको बता दें कि इलेक्ट्रोलिसिस कैसा मेथड होता है, तो इलेक्ट्रोलिसिस मेथड जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, डीसी करंट को फ्लो करवाते हैं, क्या करते हैं, डीसी करंट को फ्लो करवा के हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम को प्यूरीफाई करते हैं। जब आपने सीखा होगा क्लास 10th के आसपास, आपने ये सभी एक्सपेरिमेंट के दौरान भी पढ़ा होगा कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड होता है और इन दोनों इलेक्ट्रोड में क्या होता है, एक हमारा प्योर मेटल होता है और दूसरा क्या होता है, हमारा सिंपल एक कह सकते हैं कि दूसरा कोई मेटल सिंगल, या फिर हमें अगर एल्युमिनियम को प्यूरीफाई करना है तो एक एल्युमिनियम का ऐसा तार करके डाल देते थे और यहाँ से बैटरी से कनेक्ट करते थे और क्या होता था, यहाँ से प्यूरीफाइड मेटल क्या होता था, जो इम्प्योरीफाइड मेटल है वो नीचे गिरता था और प्यूरीफाइड मेटल क्या होता था हमारा, इस पे जाके जमता चला जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता था हमारा, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता था, ठीक है। तो इतना प्रोसेस डीपली नहीं जानने का है आपको, सिंपल सा आपको याद रखना इतना ही कि एल्युमिनियम का जो प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस होता है वो कौन सा प्रोसेस होता है, तो वो होता है आपका इलेक्ट्रोलिसिस, यानी एल्युमिनियम को हम इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से हम प्यूरीफाई करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नंबर थर्ड लिखा जा रहा है कि इम्प्योर कैम्फर इज प्यूरीफाइड बाय, इम्प्योर कैम्फर जो होते हैं वो किससे प्यूरीफाइड किए जाते हैं, इम्प्योर कैम्फर जो होते हैं वो आपके किससे प्यूरीफाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो इम्प्योर कैम्फर जो होता है वो आपका प्यूरीफाइड होता है आपके सब्लिमेशन से, किससे होते हैं, सब्लिमेशन से, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। यानी इम्प्योर कैम्फर को, यानी अशुद्ध कपूर को हम किससे प्यूरीफाई करते हैं, तो आपके सब्लिमेशन यानी उच्च बनाने की क्रिया से प्यूरीफाई करते हैं। आपको बता दें कि जो सब्लिमेशन होता है, ठीक है, सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें कि क्या करते हैं हम किसी भी सब्सटेंस को, जैसे आप सब्लिमेबल सब्सटेंस के बारे में जानते होंगे, उसमें क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस जो होता है कि वो अपने सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली वेपर स्टेट में चला जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, सब्लिमेशन कहते हैं। और वो सब्सटेंस अपने सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली वेपर स्टेट में चला जाता है बिना लिक्विड स्टेट में गए हुए, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो इम्प्योर कैम्फर को हम प्यूरीफाई करते हैं इसी सब्लिमेशन प्रोसेस से, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नंबर फोर्थ लिखा जा रहा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉज्ड बाय, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वो किसके कारण होता है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने सुना होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट का रीजन क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है नंबर फिफ्थ क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि
टाइप मेटल यूज इन प्रिंटिंग प्रेस इज एन एलॉय ऑफ, ठीक है, यानी प्रिंटिंग प्रेस में प्रयुक्त धातु प्रकार किस प्रकार का मिश्रण होता है, यानी प्रिंटिंग प्रेस में जो धातु हम यूज करते हैं, ठीक है, तो वो किस प्रकार का एलॉय होता है। तो एलॉय आपको सबसे पहले बताना चाहिए कि व्हाट इज एलॉय। तो एलॉय इज अ सब्सटेंस, क्या होता है एलॉय, एक प्रकार का सब्सटेंस होता है, पदार्थ होता है, जो कि क्या होता है एक से अधिक पदार्थों से यानी एक से अधिक मेटल से मिलकर वह बना होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा एलॉय होता है। तो आपको बता दें कि जो प्रिंटिंग प्रेस में जो हम धातु यूज करते हैं यानी जो एलॉय मिश्रण यूज करते हैं वो हमारा कौन सा होता है, तो वो हमारा होता है लीड एंड एंटीमनी। क्या होता है लीड एंड एंटीमनी, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर टू, यानी लीड एंड एंटीमनी ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर सिक्स क्वेश्चन। नंबर सिक्स क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि सावर टेस्ट ऑफ कोका कोला इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, जो कोका कोला जो होते हैं उसका खट्टा स्वाद जो होता है वो किस कारण से होता है, ठीक है, तो कोका कोला जो का जो खट्टा स्वाद होता है वो आपके फॉस्फोरिक एसिड के प्रेजेंस से होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या है टू इज द राइट आंसर, यानी फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड के कारण क्या होता है कोका कोला का जो स्वाद होता है वो आपका खट्टा होता है। नेक्स्ट आपका है नंबर सेवन क्वेश्चन। नंबर सेवन में लिखा जा रहा है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी, क्या है भोपाल गैस ट्रेजेडी इज एसोसिएटेड विथ लीकेज ऑफ, भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है वो आपके गैस के रिसाव से संबंध रखता है, यानी वो किसके संबंध यानी किसके रिसाव से वो आपका फैला था, यानी कह सकते हैं किसके लीकेज कौन से गैसेस के लीकेज के कारण ऐसा हुआ था, ठीक है। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो था आपका, जो भोपाल में आपका गैस ट्रेजेडी जो हुआ था वो आपके मिथाइल आइसोसाइनाइड के लीक होने के कारण हुआ था, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड ऑप्शन नंबर कौन सा है फोर्थ इज द राइट आंसर, मिथाइल आइसोसाइनाइड के लीक होने के कारण हुआ था। और आपको बता दें कि ये जो आपका भोपाल गैस ट्रेजेडी है इसमें कि बहुत सारे लोग आप कह सकते हैं कि लगभग 500,000 से भी ज़्यादा लोग जो थे वो इसके शिकार हो गए थे, ठीक है, और कितने सारे लोग क्या हो गए थे इसमें डेथ भी उनका हो गया था, तो ये बहुत ही दुखद कह सकते हैं कि घटना थी। और इसमें जो जनरली ये क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको बहुत एग्जामिनेशन में दिए जाते हैं, ये आपके जीके के तौर पे भी दे दिए जाते हैं, साइंस के तौर पे भी दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो लीकेज जो गैसेस हुए थे उनका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड, क्या था मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, आइसोसाइनेट लिखा हुआ है, आप आइसोसाइनेट भी पढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट है आपका नंबर एट्थ क्वेश्चन। नंबर एट्थ क्वेश्चन में लिखा जा रहा है, तो नंबर एट्थ को पढ़िएगा, आयोडाइज साल्टिन बेनिफिशियल फॉर, आयोडाइज साल्ट जो होता है वो किसके लिए बेनिफिशियल होता है, तो आयोडाइज साल्ट जो होता है आपको पता होना चाहिए कि वो थायराइड के लिए फंक्शंस के लिए बेनिफिशियल होता है, यानी आपने पढ़ा होगा कि आयोडीन की कमी से क्या होते हैं घींघा एक प्रकार का क्या होता है बीमारी होता है रोग होता है वो आपको होता है, ठीक है। तो यदि आपके शरीर में कह सकते हैं कि आयोडीन की अगर कमी होगी तो आपको क्या होगा घेगा यानी थायराइड का बीमारी होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा आयोडाइज सॉल्ट होता है जो हम नमक खाते हैं वो क्या होता है आपका उसमें थायराइड के फंक्शन के रूप में वो वर्क करता है। आपको बता दें कि कभी भी नमक को धूप में नहीं रखना चाहिए, इसका यह भी रीजन होता है कि आपको एग्जामिनेशन में ऐसा तो जल्दी पूछेगा नहीं लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं मे बी कि कहीं पूछ दे या फिर आप नॉलेज के तौर पर भी जान सकते हैं कि हम जो आयोडाइज सॉल्ट होते हैं यानी कोई भी नमक जो होता है आपका वो आयोडाइज ही आता है क्योंकि नमक डायरेक्टली समुद्र से निकाल के हमको दे तो नहीं दिया जाता है ना, उसमें बहुत सारे प्रोसेस प्रक्रिया और भी करवाए जाते हैं देन फिर हमें पैकिंग करके मिलता है, तो वहां पे आयोडीन को मिलाया जाता है उसमें। तो अगर हम धूप में रखते हैं अपने नमक को, ठीक है, तो क्या होगा आयोडीन जो होता है वो सब्लिमेबल सब्सटेंस होता है, यानी क्या होता है वो डायरेक्टली सॉलिड से आपका वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो सब्लिमेबल सब्सटेंस होने के कारण क्या होता है हमारा जो उसमें का नमक का हमारा आयोडीन उड़ जाएगा और देन फिर हम उस अगर नमक को खाएंगे देन फिर अगर क्या करेंगे उस नमक को अगर हम खाएंगे तो हमें उसका कोई लाभ नहीं होगा। सो इस कारण से हम नमक को क्या करते हैं धूप में नहीं रखते हैं, ठीक है, आपको ये बात पता होना चाहिए, नहीं पता है तो जान लीजिए आप और इसको याद रखिएगा, ये आपके नॉलेज के तौर पर है, अपने दोस्तों को बोलिएगा उनको भी बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है नंबर नाइन्थ क्वेश्चन। नंबर नाइन्थ में लिखा जा रहा है कि द एसिड रेन डिस्ट्रॉयड वेजिटेशन बिकॉज इट कंटेंट्स, जो एसिड रेन होते हैं वो क्या करते हैं वनस्पतियों को नष्ट कर देते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एसिड रेन जो होते हैं आपके वो सल्फ्यूरिक एसिड को कंटेन करते हैं और ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है आपका हार्मफुल एसिड होता है, ठीक है, क्या होता है हार्मफुल इफेक्ट करता है आपके प्लांट पे एक्वेटिक पे और एनिमल पे और इवन इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी, जैसे कि एसिड रेन के कारण ही आपको पता होगा कि ताजमहल का जो कलर है वो डिसकलर हो रहा है डिफरेंट कलर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो ड्यू टू एसिड रेन ही होते हैं। और ये जो आपके एसिड रेन होते हैं जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और इसमें आपके सल्फर डाइऑक्साइड भी होते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी होते हैं और भी अदर गैसेस होते हैं लेकिन यहाँ पे आपको सल्फ्यूरिक एसिड याद रखना है कि इसमें क्या होते हैं आपके सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होने के कारण क्या होता है हमारा बहुत सारे अलग अलग एनिमल के इंफ्रास्ट्रक्चर को प्लांट को एक्वेटिक लाइफ्स को यह इफेक्ट करता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका सल्फ्यूरिक एसिड, वो किस कारण से होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड के कारण से होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नंबर टेंथ क्वेश्चन। नंबर टेंथ क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है, तो नंबर टेंथ में लिखा जा रहा है कि डायमंड आर ग्लिटर एंड अट्रैक्टिव बिकॉज लाइट इंसिडेंट ऑन देम अंडरगोज, कहा जा रहा है कि हीरे चमकते और आकर्षक होते हैं क्योंकि उन पर प्रकाश की घटना
डैश होती है, ठीक है। कहने का मतलब कि हमारे जो डायमंड होते हैं यानी हीरा जो होता है वो चमकता है और बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, ठीक है, यानी आकर्षित होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो लाइट होता है, आपको बता दें कि डायमंड का जो कह सकते हैं कि उसका जो कीमत होता है वो आप समझ सकते हैं कि अगर जनरली आप किसी भी डायमंड को अगर कहीं से उठा के लाते हैं तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। डायमंड का कीमत जो होता है वो उसके कटिंग पे होता है। आपको बता दें कि डायमंड में जो उसके अंदर लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है उसके कारण से डायमंड इतना चमकता है। यदि वो लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं रहेगा तो वो डायमंड का वैल्यू ही नहीं रहेगा, ठीक है। सो आपको बता दें कि यहाँ पे जो डायमंड हमारा जो इतना चमकता है और अट्रैक्टिव लगता है वो इस कारण से होता है क्योंकि लाइट जो होता है उसके अंदर मल्टीपल क्या होते हैं, लाइट जो होता है उसके अंदर मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शंस को करते हैं, ठीक है, मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शंस को करते हैं। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर ले कि ये हमारा क्या हो गया, डायमंड हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा हमारा, इसमें जो इस डायमंड के अंदर लाइट जो होगा वो क्या होगा, यहाँ से जाएगा एक सरफेस से टकराएगा, क्या होगा, यहाँ से जाके आपका एक सरफेस से टकराएगा, फिर दूसरे सरफेस से टकराएगा, फिर तीसरे सरफेस से टकराएगा, फिर चौथे, फिर पांचवें, इस तरह क्या होगा, अंदर इस तरह टकराता रहेगा, जिस कारण से क्या होगा हमारा डायमंड हमेशा चमकता रहता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और यहाँ पे हम जो होता है वो मल्टीपल टाइम्स होता है, इस कारण से इसे कहते हैं मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अगर आपको पता होगा कि इससे प्रीवियस जो आपकी वीडियोज़ हैं, हमने जो 5 वीडियोज़ दिए हैं आपके इस बैचेज के रिगार्डिंग, उसमें हमने एक क्वेश्चन आपको करवाया था कि जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, तो वो भी जो होते हैं आपके वो इसी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे ही वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये क्या थे आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हमने आपको यहाँ दिया है। यदि किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कीजिएगा, एक बार गूगल करके देखिएगा कि क्वेश्चन आपके सही है, आंसर सही है या फिर नहीं है, क्योंकि ये सभी जनरल साइंस के क्वेश्चन है, ये आपको गूगल पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप वहाँ पे देखिएगा, देन फिर भी आपको गलती लगता है, कुछ प्रॉब्लम लगता है, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।